बरेली के थाना कैंट क्षेत्र के नकटिया की रहने वाली इरम शैफी ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत की है कि एक महिला उसके भाई जिसकी बस 2019 में हत्या कर दी गई थी इसको जिंदा बता रही है। इरम ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर अपने भाई को महिला से बरामद कराने की गुहार लगाई है। वहीं एक कथित पत्रकार प्रिया मेसी द्वारा ये बताया जा रहा है कि इरम का भाई अयान जिंदा है। इरम का कहना है कि इस बातचीत की ऑडियो उसके पास मौजूद है। एसएसपी ऑफिस पहुंचकर इरम ने प्रिया मेसी से पूछताछ करवा कर अपने भाई को बरामद करवाने की मांग की है, मगर इरम के पास मौजूद इस ऑडियो से सनसनी फैल गई है और इरम इस ऑडियो को लेकर अपने भाई को बरामद करने की गुहार लगा रही है। रोल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरम सैफी है। इरम, क्या मामला जो आज आपने? मामला ये है कि पहले भी मैंने, अभी एक महीने पहले मैंने थाना कैंट में ये एप्लीकेशन दी थी कि मेरा भाई प्रिया को पता है कि वो जिंदा है, और तब थाने वाले ने मना कर दिया कि मैं मुकदमा नहीं लिखूंगा। और अब मैं आज एसएसपी से मिली हूं, क्योंकि वो बोलती है कि इरम का भाई जिंदा है, उसका भाई मरा नहीं है, इरम का भाई मरा नहीं है, और इरम बहुत शातिर लड़की है, और इरम को कहीं ना कहीं हम मार देंगे। और अभी कल मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ है, और उससे पहले मेरे पिताजी का एक्सीडेंट, ये कुछ ना कुछ हादसा मेरे घर में अधिकतर होता ही आ रहा है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर।